मैं आपका फैंटेसी हो सुरक्षित और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे so friends, आप सोच रहे होंगे कि एक रैंडम यूरोपा लीग मैच अलग से क्यों हो रहा है आज जबकि बाकी सारी टीम्स या तो कप मैचेस खेल रहे हैं या फिर लीग मैचेस खेल रहे हैं इसका रीजन फ्रेंड्स ये है कि आपको याद होगा जब क्वीन एलिजाबेथ की पासिंग हुई थी तो कुछ मैचेस थे जो पोस्टपोन हो गए थे प्रीमियर लीग के भी हुए थे और एक ऐसा यूरोपा लीग मैच था जो पोस्टपोन हुआ था और वो मैच था ये मैच आर्सनल प्रीमियर लीग मैचेस तो हो सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी जनवरी में फेब्रवरी में रिशेड्यूल हो सकते हैं बट अगर आपको पता होगा यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग के जो ग्रुप स्टेजेस हैं वो खत्म होने बहुत जरूरी है बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्ट सो दैट्स वाई आर्सनल और मैन सिटी का जो मैच था जो एक्चुअली होना था इस वीक वो उसको पोस्टपोन हो गया है और उसकी जगह हो रहा है ये यूरोपा लीग मैच सो so, थोड़ा सा सैड ये है क्योंकि आसल दोनों लीग में बहुत अच्छा कर रही है तो इट वुड बीन वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि आपस में वो कैसे बैटल करते हैं बट ऑफकोर्स ये वाला मैच भी काफी फैसिनेटिंग होने वाला है बिकॉज पी एस पी एंड ऑल्सो टीम जो काफी अच्छा कर रही है इस सीजन लेकिन शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट कि इन दोनों टीम्स की करंट स्टैंडिंग्स क्या है इन द यूरोपा लीग ग्रुप ग्रुप ए जिसमें आप देख सकते हैं Arsenal have the perfect record, goal difference of five, nine points from three matches. PSV and Hoban ne do match जीते hain, ek match draw kara hai. They are in seventh position. So, in short, friends, I feel ki ye dono teams are by far the two strongest teams in the group, as you can see in the league table as well. Uh, but I think jo असली battle होगी इन दोनों के बीच में वो होगी कि group में first कौन आएगा? Because जो group में first आएगा उनको किसी और group की second place team के साथ match होगा in the knockout stage. और आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको एक अच्छा इजी ड्रॉ चाहिए देन आपको अपने ग्रुप में फर्स्ट फिनिश करना चाहिए सो आई थिंक फिनिशिंग फर्स्ट इन द ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मैच बिटवीन आर्सनल एंड पीएसवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखते हैं प्रीवियस रिजल्ट क्या थे इन दोनों टीम्स के आर्सन ने यूरोपा लीग में वन एल विन पिकअप करी अगेंस्ट बोडो ग्लिम जो एक नॉर्वेजियन क्लब है जिसमें बुकायो साका ने विनर स्कोर किया नॉट अ वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डीट थी बट ये करंट आर्टेटा की जो आर्सनल टीम है जो काफी बैटल करके कर लेते हैं और ये एक बहुत इंप्रेसिव विनिंग मेंटेलिटी है जो आर्टेटा ने आर्सनल के प्लेयर्स में इनकलकेट करी है बात करते हैं अब पी एस वी आई एंड के प्रीवियस रिजल्ट की दिस वॉज नॉट अ क्लोज मैच दिस वॉज एन एब्सिल्यूट थ्रैशिंग जिसमें उन्होंने आप देख सकते हैं एफसी को फाइवल हराया बहुत सारे लोगों ने गोल स्कोर किएरमैन गुटियर ए संगारे वियर ने दो गोल स्कोर किए एंड अनवर गाजी एज वेल लॉर पीपल गेव अस एंड आर अ टीम जिनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस आर्सनल टीम को सो so, फ्रेंड्स ये थे दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स एंड ऑफ कोर्स बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन बट पहले शुरू करते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ फॉर दिस मैच नाव मिकेल आर्टेटा के पास काफी प्लेयर्स है जो इस मैच में अनबल है बिकॉज ऑफ इंजरी फॉर एग्जाम्पल मार्टेनली एक प्लेयर थे जो एक्सपेक्टेड है अवेलेबल होंगे बट उनको एक इलनेस हुई थी और आर्टेटा को आई थिंक बहुत रिस्क लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज उनका अभी तक यूरोपा लीग में परफेक्ट रिकॉर्ड है सो so, मार्टेली जैसा प्लेयर आराम से इस मैच में रेस्ट हो सकता है जेजुस ने भी बहुत मैचेस नहीं खेले हैं यूरोपा लीग में ही इज ऑल्सो सम

बिकॉज आप देख सकते हैं यू हैव द सेकेंड गोलकीपर फॉर आसनल और डिफेंस में बात करें यहाँ पे काफी रोटेशन एक्सपेक्टेड है वन ऑफ द टू सेंटर बैक्स गाब्रियल या फिर सालिबा में से किसी को रेस्ट मिल सकता है सालिबा ने काफी मैचेस खेले हैं सो तो गाब्रियल में भी ये मैच स्टार्ट कर सकते हैं उनके साथ मोस्ट एक्टली रॉब होल्डिंग होंगे राइट सेंटर बैक होंगे लेफ्ट सेंटर बैक होंगे वी विल हैव टू सी बट ही समझ जिनको आई थिंक एक्सपेक्टेड है चांस मिलेगा इन दिस मैच सिमिलरली टर्नीज समझ जिनको लास्ट मैच में चांस नहीं मिला था लास्ट फ्यू मैचेस इनफैक्ट नहीं खेल पा रहे हैं बट इनका अटैकिंग पोटेंशियल हमें पता है खेलने चाहिए बारे में शोर नहीं हूं पूरे सीजन एक भी मिनट नहीं खेला है बट अगर आर टेटा को अपनी प्रीमियर लीग टीम को फ्रेश रखना है देन सेड्रिक जैसा प्लेयर राइट बैक स्टार्ट कर सकता है बट आई वी सरप्राइज लेट से बेन वाइट या टोमियासू इस पोजिशन में स्टार्ट करते हैं मिडफील्ड में आई थिंक डेफिनेटली आप इस साम्बी लो और फाबियो uh, uh, को डेफिनेटली देखेंगे बिकॉज ये दोनों प्लेयर्स ने रेगुलरली फीचर किया है इन द यूरोपा लीग फॉर दिस सीजन और काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है स्पेशली अगर आप क्रिएटिवली बात करें सो सो फाबियो आई थिंक स्पेशलीस टू प्लेयर शुड स्टार्ट थर्ड स्लॉट जो है वो जाका ओडेगार्ड में से कोई एक स्टार्ट करेगा क्योंकि पीएसवी आर अ वेरी गुड अटैकिंग टीम थोड़ी और डिफेंसिव सॉलिडिटी मे बी आर्ट एटाइस मैच में सीख करेंगे मे बी दैट्स वाई ग्रानिट जाका कैन स्टार्ट फ्रंट थ्री की बात करें सो आई थिंक वंस अगेन एज आई टोल्ड यू मार्टन स्मॉल डाउट है साका इस संबंध जो आई थिंक दैट्स वाई वी एक्सपेक्ट की स्टार्ट करेंगे बिकॉज ही के नॉट रेस्ट एवरी बिग प्लेयर इन दिस मैच सो आई थिंक साका एक प्लेयर है जो एक्सपेक्टेड है शायद इस मैच में स्टार्ट करेंगे अप फ्रंट हंड्रेड परसेंट एडी एनकेटिया स्टार्ट करेंगे बिकॉज ही संबंध जो काफी अच्छे रिजर्व स्ट्राइकर है के लिए वेरी गुड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो दिस सीजन इन द यूरोपा लीग सो आई थिंक एनकेटिया को आप नेल डाउन अपनी टीम में पिट पुट कर सकते हैं जो लेफ्ट विंग स्लॉट है वहां पे मार्टिन अली नॉर्मली खेलते हैं बट यहाँ पे या तो रीस नेल्सन खेलेंगे जो उनकी नेचुरल पोजीशन है या फिर उनके न्यू साइनिंग है मार्किनियोस इनमें से कोई एक प्लेयर खेल सकता है न दोनों के बारे में बहुत कन्विंस नहीं हूं बट मार्किनियोस इस संबंध जिन्होंने ऑलरेडी गोल स्कोर कर चुके हैं दिस सीजन इन द दूरोपालिक्स और मे बी अगर वो खेलते हैं उनपे आप अपनी ग्रैंड लीग टीम पे पंट ले सकते हैं अब बात करते हैं की 11 की प्रोबेबल फॉर दिस इज़ टीम जो आई थिंक विल गो वेरी वेरी दिस इज द काइंड ऑफ लाइनअप जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैक सिस्टम वॉल्टर बेनीटेस होंगे इनके गोलकीपर गुड अर्जेंटाइन कीपर बैक थ्री में यू रामालियो इजिल आई वुड से इन तीनों में से तो इस समझ इनके

अगर आप में बात करें काफी अच्छे डिफेंसिव और अटैकिंग ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल इब्राहमारे संबंध है बहुत टाइम से पीएसवी में है अच्छा बैलेंस दे सकते हैं डिफेंस और अटैक के बीच में बट अगर आपको एक प्लेयर चाहिए जो अटैकिंग वाइज बेस्ट है दैट इज वियरमेन फोर गोल्स फोर सीजन इन ऑल कॉम्पिटिशन इन तीनों में से सबसे अच्छे अटैकिंग ऑप्शन डिफेंसिवली आई वुड से संगारे इज टू गो फॉर अगर बात करें इनके फ्रंट टू की शाबी सेवन जैसमन जो बहुत ही इंप्रेसिव रहे हैं इनके लिए वेरी वेरी यंग प्लेयर काफी क्लब में खेल चुके हैं फॉर एक्साम्पल पी एस में थे ये काफी टाइम से ही सम्मन जिन्होंने यूथ रैंक के थ्रू अपनी जगह बनाई है इन द मेजर क्लब बट पी में इनको फाइनली थोड़ा रेगुलर गेम टाइम मिला है एंड हिस्टैट्स आर वेरी वेरी इंप्रेसिव अगर आप बात करें इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की दैट इज कोडी गाकपो इनफैक्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कोडी गाकपो के बारे में थोड़ा और आपको बताते हैं

दिस इज ऑब्वियसली इन द डच ड एरिजे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इन्होंने गोल स्कोर करे हैं तोर्ड ऑफ असिस्ट एज वेल ही जो मोस्टली राइट फुटेड है छह गोल स्कोर करे हैं डच लीग में फ्रॉम द राइट फुट बट आप देख सकते हैं कि तीन गोल लेफ्ट फुट से भी स्कोर करे हैं सो so, इनकी जो भी पोजिशनिंग होगी ही जो काफी टू फुटेड है लेफ्ट फुट राइट फुट एंड ही जो काफी बड़ा डेंजर हो सकते हैं इस आसनल बैकलैंड के लिए आप देख सकते हैं 85.4 मिनट्स पर गोल और मैच होता है 90 मिनट्स का सो so ऑलमोस्ट वन गोल पर मैच इनका एवरेज है नो आई नो की डच लीग इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द प्रीमियर लीग बट एक प्लेयर के इतने इंप्रेसिव रिकॉर्ड है इस संबंध बी वेरी माइंडफुल ऑफ जब हम अपनी टीम बनाते हैं आठ गोल स्कोर करे हैं फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स एक गोल स्कोर करा है फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स डेफिनेटली पीएसवी एस वी के टैलिसमैन कोडी गाकपो वॉच आउट फॉर हिम इन टू मैच लेकिन अब चलते हैं देखते हैं कुछ क्रूशल स्टैट्स फॉर दीज टू टीम्स

एंड आपके पूरी टीम वेरी वेल राउंडेड अटैकिंग परफॉर्मेंसेस दे सकती है फैंटेसी पे थोड़ा ट्रिकी इससे होता है फ्रेंड्स बिकॉज वी डोंट नो कौन सा प्लेयर किस मैच में गोल स्कोर करेगा बट पीएसवी के लिए ऐसा नहीं है उनके लिए एक स्टैंड आउट गोल स्कोर है वो है उनके टैलिज कोडी गाकपोनो ये एक प्लेयर है जो बहुत हेवीली लिंक है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द समर और अभी भी अगर आप इनका नाम गूगल करेंगे आपको इनके ट्रांसफर रूमर्स ही दिखेंगे विद बार्सिलोना विद पी एस जी विध मैनचेस्टनाइटेड ये संबंध जिनके ऊपर काफी बड़े क्लब्स की नजर है आल्सो गुड एक्साइटिंग टैलेंट वियर ने चार चार गोल स्कोर तो देख सकते हैं पीएसपी डू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स अब बात करते हैं असिस्ट नंबर्स की फॉर टू दो दो असिस्ट दिए हैं

प्रिडिक्शन uh, की आई थिंक आर्सनल शुड बी कंसिडर्ड फेवरेट बिकॉज आसनल टीम जो होम पे खेल रही है टीम जो प्रीमियर लीग करंटली लीडर्स है बट पीएसपी एंड होवन को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड की आसनल की जो यूरोपा लीग टीम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीमियर लीग टीम सो so, ऑब्वियसली बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं आसनल काफी प्लेयर्स अपने रेस्ट करती है यूरोपा लीग में सो इट इज नॉट द सेम टीम प्रीमियर लीग वाली जो यूरोपा लीग में खेलेगी बहुत रोटेशन होगी एंड दैट्स वाई आई थिंक पीएसवी को मैं थोड़ा और चांस दूंगा

मिडफील्ड में मैंने साका को कैप्टन किया है ना आई हैव अ प्लेयर जो मैं बहुत श्योर भी नहीं हूँ स्टार्ट करेंगे ये मैच है नहीं बट ही समवन जो आई थिंक अगर लेट्स से गैब्रियल हेजूस नहीं खेल रहे हैं मार्टिन नहीं खेल रहे हैं ही समवन जिन ओनली वन जिसके ऊपर मैं रिलाई करूंगा टू स्कोर द गोल्स दैट्स वाई साका इज माई कैप्टन ऑल्सो ही विल बी ऑन पेनल्टीज बाकी आप देख सकते हैं मैंने पिक किया है फाबियो बियरा को सिंपली बिकॉज यूरोपा लीग में हिज परफॉर्मेंस इज हैुड फिर मैंने झाका को पिक किया है इनके बारे में बहुत श्योर नहीं हूं स्पेशली बिकॉज आई एम नॉट श्योर कितने मिनट्स खेलेंगे इनको डेफिनेटली वीकेंड के लिए रेस्ट किया जाएगा डू रिमेंबर दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट अ मैच फॉर आसनल एंड आर्टेटा एज द प्रीमियर लीग मैच जो वीकेंड पे है बिकॉज दे हैव हैवन थ्री आउट ऑफ थ्री एंड अगर लेट्स से ड्रॉ भी होता है इस मैच में आसनल को बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए That's why I think, let's say, इनकी जगह आप लोकोंगा को लेते हैं आई डो नॉट है प्रॉब्लम बाकी मैंने वियरमैन को पिक किया है क्योंकि अटैक में काफी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आसनल का जो एक्सपेक्टेड डिफेंस है इस मैच में वो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है बट इफ यू अ गुड डिफेंसिव प्लेयर देन आप वियरमैन की जगह सांगारे को अपनी टीम में ले सकते हैं डिफेंस में गाब्रियल को पिक किया है आई डोंट ट्रस्ट होल्डिंग बहुत ज्यादा सेड्रिक ने एक भी मिनट नहीं खेला है बट लेट्स अगर बैनवाइड या टोमियासू खेलते हैं देन आई थिंक मे बी मैं एक सेक्रीफाइस करके लेट्स से एक आसनल एक्स्ट्रा डिफेंडर ले सकता हूं और बीस पो मेरे ख्याल से इज पर्सनली द बेस्ट पीएसवी डिफेंसिव ऑप्शन चाहे आप डिफेंसिव टैकल इंटरसेप्शन डेटा देखे या फिर गोल असिस्ट डेटा देखे बट अगर आपको थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर समन लाइक फिलिप मैक्स जो एक लेफ्ट विंग बैक खेलेंगे वॉटर बेनीटेस्ट को मैंने गोलकीपर पिक किया है आई डोंट माइंड अगर आप आसनल के टर्नर uh, को भी इस मैच में अपना गोलकीपर बनाते हैं साका इज द कैप्टन वाइस कैप्टनसी में किस प्लेयर का आप ट्रस्ट कर सकते हैं आई फील की दो ही ऑप्शन है इन दिस करंट सेटअप

In the UEFA Europa League. Hopefully, friends, आपके वीडियो पसंद आया होगा अगर आया मेक श्योर हेट द लाइक बटन सब्सक्राइब करेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच स्टे से